आप अपने कपड़े ना बेचें, आपके अगर कपड़े करोड़ों में बिक सकते हैं ना, तो हिसाब लगाएं आपकी एक जायदाद कितने की बिक सकती है यार। एक जायदाद बेचे यार पूरे पाकिस्तान के कर्जे उतार सकते हैं यार आप लोग। सलाम अलैकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग, आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम अलैकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग, आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमने जो सोचा हुआ है वीडियो बनाने, जो हमने व्लॉग करना है, सबसे पहले तो एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। वो वीडियो देखने के बाद आप खुद बताएं, नानी अम्मा की बातें सुने। और जब मैं एसी में बैठती हूँ तो मुझे दिल में तकलीफ होती है कि लोग पंखे के बगैर हैं। मरियम नवाज शरीफ मर भी रही होगी, वो जाते जाते भी पाकिस्तान का भला करके जाएगी। लोग में मैं हैरान हो रहा हूँ कि हम पे किस किस तरह के जाहिल मुसल्लत हो गए हैं यार, कि अवाम मर गई है यार, मर गई है अवाम, खुदा की कसम। सिर्फ 5-5, 6-6 घंटे लाइट आ रही है, जा नहीं रही, सिर्फ आ रही है 5-5, 6-6 घंटे यार। अवाम, गरीब अवाम मर गई है यार, यकीन करो। कितनी देर पेट्रोल, वो इतना महंगा है, बंदा जनरेटर अगर चलाएगा तो किस तरह, मतलब जनरेटर में पेट्रोल किस तरह डालेगा भाई। पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया कि गरीब अवाम अपने ऊपर छिड़क के आग भी लगा सकती है यार अपने आप को। इस कदर यार बेवकूफाना हरकतें कर रहे हैं यार ये, मतलब कोई भी हुकूमत आती है यार हमारे सरों पे बेवकूफ मुसल्लत हो जाते हैं यार, पागल बना दे यार हम लोगों को। लोग यकीन करें गर्मी से बंदर बन गए यार। लेकिन इनको कोई हया नहीं है। और इनकी वीडियो चेक करें यार आप, कि ये कहते हैं कि मतलब जब मैं एसी में बैठती हूँ तो मेरा दिल रोता है यार, शर्म आनी चाहिए यार, क्यों शर्म नहीं आती है, डूब के मर जाने का मुकाम है यार, ऐसी बातें करते हैं यार ये लोग। और कहती हैं कि मतलब जब मैं एसी में बैठती हूँ मेरे दिल में तकलीफ होती है। तकलीफ दिल में नहीं होती, जहाँ होती है वो जगह सही बताएं आप, वो जगह सही नहीं आप बता रहे। मैं यार यकीन करें गरीब आवाम का क्या हाल हो रहा है यार, इन लोगों को नहीं पता। ये लोग एसीयों से उठते हैं, एसीयों में गाड़ियों में जाते हैं, एसीयों में बैठते हैं, धरने करते हैं तो एसीयों में बैठे होते हैं यार। इन लोगों को नहीं पता जो गरीब आवाम मर रही है गर्मी से यार। ये लोग सिर्फ पैसा बनाते हैं और बाहर चले जाते हैं यार। इन लोगों का पाकिस्तान में कुछ नहीं है यार, कुछ ही लगा। ये तो इनके मेदे में भी तकलीफ हो तो मैं जो ये लंदन चले जाते हैं यार। सब लोग यार ऐसे हैं यार। उसके बाद ये मतलब बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज चाहती है कि वो मरती मरती भी इस मुल्क के लिए कुछ कर जाए। ओ मैं कह रहा हूँ मर जाओ, अभी मर जाओ, कुछ ना करो हमारे लिए यार। मतलब पहले क्या कर दिया आप लोगों ने यार, जो अब करेंगे आप लोग यार। मर जाए आप, मर जाए, फना हो जाए यार, मतलब कोई ख्याल नहीं यार। हर बंदा जो भी आ रहा है सिर्फ लूटने को आ रहा है यार, कोई किसी को कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं यार। ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया यार। गरीब आवाम को सिर्फ बिजली चाहिए यार, वो भी नहीं मिल रही यार। इनसे बातें सुन ले, हमने पाकिस्तान को ये दिया, हमने वो दिया यार, क्या दे रहे हैं यार आप पाकिस्तान को यार। आवाम भूख से, प्यास से, गर्मी से मर रही है यार, कोई हया शर्म नहीं है। हम मरते हुए जाते हुए भी कुछ ना कुछ कर जाए, ओ यार आप मर ही जाओ तो अच्छा है यार। मरते मरते जो कुछ करना है अभी मर जाओ, आप अभी कर जाओ जो करना है आपने यार। और फिर इनके चाचू कह रहे हैं, इनके इनके नानी अम्मा के चाचू कह रहे हैं कि मतलब ये सस्ता करो, वो सस्ता, मैं अपने कपड़े बेचूं यार। कौन लेगा आपके कपड़े यार? आप अपने कपड़े ना बेचें, आपके अगर कपड़े करोड़ों में बिक सकते हैं ना, तो हिसाब लगाएं आपकी एक जायदाद कितने की बिक सकती है यार। एक जायदाद बेचे यार पूरे पाकिस्तान के कर्जे उतार सकते हैं यार आप लोग। लेकिन नहीं, लोगों से ले रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, फिर भी कर्जे नहीं उतरे यार। आप अपने कपड़े ना बेचे, आप अपने एक जायदाद बेचे, सिर्फ मुल्क के सारे कर्जे ठीक हो जाएंगे यार, सारे कर्जे उतर जाएंगे यार। मर गई है यार आवाम, कोई ख्याल नहीं है किसी को भी, कोई ख्याल नहीं है यार। यकीन करें गर्मी से मेरी खुद की तबीयत, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, मैं पिछले दिनों अभी कराची था, कल ही कराची से वापस आया, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं कर सका 2-4 रोज से। मैं एक ज़रूरी काम से कराची गया था, मतलब सफ़र में इतनी तबीयत ख़राब कर दी है। तो बस इंशाल्लाह कोशिश है कि अब से व्लॉग अपने शुरू करते हैं यार। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ यार, मैं ना पीटी के खिलाफ हूँ, ना नून लीग के खिलाफ हूँ, ना पीपल पार्टी के खिलाफ हूँ, मैं सबके साथ हूँ। मैं एज अ जर्नलिस्ट मैं सबकी बात वो करनी है जो हक में होगी, जो अच्छी बात होगी वो करनी है, जो नेगेटिव बात होगी हमने वो करनी है। हम किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, बस जो कोई अच्छा करेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे यार कि ये अच्छा कर रहा है यार। इनके अच्छे काम है वो अच्छे काम ठीक है, लेकिन आवाम को 100 अच्छे काम कर लेना यार, सिर्फ एक बुरा काम कर ले, आवाम को सिर्फ एक बुरा काम नजर आता है यार। आवाम जैसे मर रही है यार,
वो देखना चाहिए यार। सबसे पहले जब ये आए हैं तब ये आके मरियम नवाज साहिबा कहती हैं बिजली जाती है नहीं जाती, बिजली जाती मत, ठीक है आपकी बात, लेकिन यार अब आपके आपका सिनेरियो चेक करें यार, अब बिजली आ ही नहीं रही यार बिल्कुल भी, और कोई टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग हो ना कि यार एक घंटा जाए एक घंटा आए वो ठीक है, कोई टाइमिंग नहीं है, जब दिल करता है तब लाइट बंद कर रहे हैं यार। हमें जो अच्छी बात होगी हम पीटीआई के हक में होगी वो भी करेंगे, जो पीटीआई के खिलाफ होगी हम वो भी करेंगे, जो उनके हक में होगी वो भी करेंगे, जो उनके खिलाफ होगी वो भी करेंगे, हमने हमें इस बारे में कोई नहीं, लेकिन यार खुदा का वास्ता यार कुछ पाकिस्तान का ख्याल करो यार, अब अपना ख्याल ना करो, अपना ख्याल आपने जितना करना था वो हमें नज़र आ रहा है, वो यकीन करें पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है, हर सियासतदान का नज़र आ रहा है यार, खुदा का वास्ता यार, खुदा का वास्ता यार आपको पाकिस्तान का ख्याल करें यार, गरीब अवाम मर गई है यार। बाकी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपने लिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा यार, अल्लाह हमें सबको सलामत रखे यार। अगला व्लॉग हमारा जो मीम्स बनाते हैं मीम्स बनाने वालों के खिलाफ होगा, और भरपूर अच्छा दबा के देंगे यार इनको। बाकी आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना यार, आपका बहुत शुक्रिया।